नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ग्लोबल सिनेमा हब। आज हम बात करेंगे एक मूवी से रिलेटेड जो काफी ट्रेंडिंग में है और जो रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर। अगर आप अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी के अपडेट से रिलेटेड, प्लस इसके साथ अगर आप इस मूवी का टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, टिकट का क्या प्राइसिंग रहेगा, तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको शुरुआत में, अब देखिए कहीं ना कहीं हमने ये मूवी काफ़ी टाइम पहले देखी है तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो मिस होंगे, तो इसके लिए आपको इन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो शॉर्टली हम इन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी करेंगे। सो जो ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इससे पहले अवतार का पहला सीक्वल नहीं देखा है जो 2009 में रिलीज हुआ था, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले पहला सीक्वल देख लीजिए, सो दैट आप कैरेक्टर से फैमिलियर हो जाएंगे। उसके बाद आप सेकंड जो पार्ट है या सेकंड सीक्वल आप देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। भी अगर हम इस फिल्म के कैरेक्टर्स की बात करते हैं या कास्ट की बात करते हैं तो इस फिल्म के जो लीडिंग कैरेक्टर्स है वो सेम होंगे। अगर हम वन बाय वन बात करते हैं कैरेक्टर्स की तो इस फिल्म में पहले आते हैं सैम वर्थिंगटन, जिन्होंने जैक सली यानी अवतार का रोल प्ले किया है। और फीमेल कैरेक्टर्स में हम देखेंगे जोई सल्दन को, जिन्होंने नैथ्री का रोल प्ले किया है। और साथ ही साथ सपोर्टिंग अगर रोल की बात करते हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें सिगोर्नी वीवर, थोड़ा बहुत देखिए नाम में इधर उधर हो सकता है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, जो रोल प्ले करेंगी सिगोर्नी वीवर, जो रोल प्ले करेंगी डॉक्टर ग्रेस अगस्तिन का। और हमें अपोजिट में इनके देखने को मिलेंगे स्टीफन लैंग, जिन्होंने कॉलोनल क्वार्टरिज का रोल प्ले किया है। सो यही मोटा मोटा हिसाब है कैरेक्टर्स के बारे में। अभी आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इस फिल्म के रिलीज डेट की। सो अवतार द वे ऑफ वाटर ये जो फिल्म है ये रिलीज होने वाली है 16 दिसंबर 2022 को। फिल्म जिन लैंग्वेजेस में रिलीज होगी वो लैंग्वेजेस है इंग्लिश है, कन्नाडा है, तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है एंड मलयालम है। अब अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये फिल्म का जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 3 घंटा 12 मिनट यानी 3 आवर्स 12 मिनट्स की ये फिल्म है। और इस फिल्म का जो जेनर रहेगा, टाइप हम कह सकते हैं, जो टाइप रहेगा इसमें आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा, एडवेंचर भी है, फैंटेसी भी है और ये साइंस फिक्शन मूवी है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि चलिए हम मूवी तो देखना चाहते हैं बट कौन से स्क्रीन में अगर आप हम ये मूवी देखें तो इसमें आपके पास ऑप्शंस आते हैं, IMAX 3D है, 4D x 3D है, 3D ऑप्शन है एंड 2D का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बट ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल हर लैंग्वेज के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप इंग्लिश में ये मूवी देखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप ये मूवी जो है IMAX 3D हो गया या 4D x 3D में देख सकते हैं या 3D मल्टीप्लेक्स में देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं। अगर आप हिंदी या अदर लैंग्वेज प्रेफर करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है MX 4D x 3D का, 4DX x 3D का, 3D x 2D का। सो अभी नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं जो कि है इसका प्राइसिंग। अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो टिकट का जो प्राइसिंग है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरी करता है। अब इसमें स्क्रीन भी आपको देखना पड़ेगा कौन से स्क्रीन पे देखना है, साथ में साथ आपको कौन सा सीट चाहिए, बिकॉज देखिए सीट्स के भी इसमें अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे नॉर्मल सीट होता है, एग्जीक्यूटिव सीट होता है, प्रीमियम होता है, VIP होता है, रिक्लाइनर होता है, प्राइम होता है। तो जो सीट आप प्रेफर करोगे, जो स्क्रीन आप प्रेफर करोगे उसके अकॉर्डिंग प्राइस जो है वो वेरी होगा। सो अगर आप इंग्लिश में ये फिल्म या मूवी देखना चाहते हैं तो आपको इस अकॉर्डिंग प्राइसिंग रहेंगे। और अगर आप हिंदी या अदर लैंग्वेज प्रेफर करेंगे तो इसका भी प्राइसिंग हमने सीट्स के अकॉर्डिंग या स्क्रीन के अकॉर्डिंग दिया है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं हम टिकट बुक करने के लिए। सो अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपके पास अलग अलग ऐप्स होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे जिससे आप टिकट बुक कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल जो होता है या सभी को जो फैमिलियर प्लेटफॉर्म है वो आपके पास है, बुक माई शो है, पेटीएम है एंड अमेजोन है। अब देखिए इसमें ऑफर्स तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। अगर हम पहले बात करते हैं बुक माई शो की तो बुक माई शो के जो ऑफर्स है वो इस अकॉर्डिंग रहेंगे। तो इसी के साथ आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट होगी, ये इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टिकट बुक करने से पहले। सो आप ये सारी डिटेल्स प्रॉपरली देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमें कमेंट में बताइए, सो दैट हम ऐसे ही अलग अलग मूवीज से रिलेटेड सजेशंस आपके लिए लेके आएंगे, कैसे टिकट बुक करना है, क्या है, सो दैट आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।